हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी आईक्यू एकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए मैं बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर के आ गया हूं, तो इसमें आपको पूरी वीडियो को अंत तक देखते चलना है तो आपको पूरी न्यूज़ मिलेगी कि पटवारी की कितनी वैकेंसी आई हुई है, इसमें कितनी वैकेंसीज है और उम्र क्या है, सिलेबस क्या है, एज क्या है, मतलब पूरी जानकारी मिलेगी आपको। स्टेप बाय स्टेप आपको देखती चलनी है पूरी वीडियो बिना स्टॉप किए हुए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो आपको मतलब अच्छी लगे इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो यह है वैकेंसी के बारे में डिटेल जो इन खबर न्यूज़पेपर में आई हुई है। तो RSMSSB पटवारी रिक्वायरमेंट 2018 2749 पटवारी पदों के लिए भर्ती, यहाँ जाने अहम जानकारी। तो यहाँ आपको अहम जानकारी मिलेगी आपको, तो चलते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो RSMSSB पटवारी रिक्वायरमेंट 2018 राजस्थान में पटवारी पद के लिए भर्ती निकाली गई है। कुल 2749 पटवारी पदों के लिए राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड की ओर से प्रारंभिक अधिसूचना जारी की जा चुकी है। जल्दी इन भर्तियों को एक और नोटिफिकेशन जारी होगी जिसमें आवेदन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो ये आप देख पा रहे हो, बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ आ रही हुई है, ये देख पा रहे हो आप, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। इसके बाद आगे जानते हैं, जयपुर राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड RSMSSB ने पटवारी पद के 2749 पदों के लिए भर्ती निकाली। रिक्तियों के बारे में राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड की अधिसूचना जारी की है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। इन रिक्तियों से संबंधित आरंभिक नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। जल्द ही पटवारी भर्ती संबंधित एक और नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि की जानकारी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए न्यूज़ आई हुई है, तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, तो जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। RSMSSB पटवारी भर्ती 2018 के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। पटवारी पद पर भर्ती के लिए आवेदक की शैक्षिक योग्यता स्नातक यानी कि डिग्री होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। क्या होनी चाहिए आपकी योग्यता? स्नातक होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदकों को हिंदी, देवनागरी लिपि और संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर में डिप्लोमा और DOESCC से ओ लेवल प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये आप सभी को पता होना चाहिए इसमें बिल्कुल। तो जो भी इसमें मांगा गया है वो आपका बिल्कुल होना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं RSMSSB पटवारी पद की चयन प्रक्रिया क्या क्या होगी। तो इसकी प्रक्रिया होगी, पटवारी पद की चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। लिखित परीक्षा होगी इसमें, पटवारी पद के लिए लिखित परीक्षा दो चरणों में होगी, प्रारंभिक में और मुख्य परीक्षा, मतलब मेंस और जो प्री और मेंस होता है वो दोनों एग्जाम इसमें लिए जाएंगे। इन दोनों परीक्षाओं को पास करने वाले आवेदकों को मेरिट लिस्ट के आधार पर पटवारी पद पर बहाल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चयन प्रक्रिया होगी। इसके बाद RSMSSB पटवारी पद की उम्र क्या होनी चाहिए। तो इसकी उम्र होनी चाहिए पटवारी पद की उम्र के लिए 18 वर्ष, जबकि न्यूनतम और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। जो छूट मिलते हैं वो अलग से मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद आगे जान लेते हैं अपन पटवारी पद का आवेदन शुल्क क्या होगा। तो इस पटवारी पद के लिए आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग और OBC के प्रतिभागियों के लिए ₹450, SC/ST के दिव्यांगों के लिए ₹250, जनरल OBC वर्ग के 2,50,000 से कम आमदनी वाले कैंडिडेट के लिए ₹250 रखी गई है। बोर्ड की ओर से जल्दी ही पटवारी भर्ती के संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसके बाद आवेदन की प्रक्रिया क्या है शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल आपको ये नोटिफिकेशन पूरा मिल चुका है, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन सभी दोस्तों को पता चल सके कि आपकी वैकेंसी आ चुकी है, क्वालिफिकेशन क्या है और कितनी एज है और सब कौन कौन से डिप्लोमा चाहिए, वो पूरी इसमें आपको जानकारी मिल गई है। तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना है ताकि सभी बच्चों को पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे फ्रॉम माई साइड। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगली वीडियो मिलते हैं, जब तक आपको इंतज़ार करना होगा अगली वीडियो का।